भोजपुरी सिनेमा की आइकन क्वीन अक्षरा सिंह अपने घर के इकलौती बेटी हैं। बहुत कम उम्र में ही अक्षरा सिंह ने वो कामयाबी हासिल कर ली जिसे पाने में उम्र कट जाती है। आप लोग जानते होंगे कि इस सफलता के पीछे का राज उनका परिवार भी है, क्योंकि अक्षरा से पहले उनका परिवार भी फिल्म इंडस्ट्री और सीरियल इंडस्ट्री से रहा है। अक्षरा सिंह के मम्मी पापा दोनों एक्टिंग करते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह की कामयाबी अपने मम्मी पापा से ऊपर पहुंच चुकी है। यही कारण है कि सैलरी की अगर बात की जाए तो अक्षरा सिंह अपने माता पिता से ज्यादा सैलरी कमाती हैं। इस बात का खुलासा खुद उनके पिताजी ने उनके बर्थडे पर इंटरव्यू के दौरान किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, आजकल अक्षरा सिंह को फिल्में मिलना कम हो गई हैं। उसके बावजूद उनकी मम्मी का सपोर्ट घर चलाने में काफी ज्यादा देखा जा रहा है। उनकी मम्मी का नाम है नीलिमा सिंह। भोजपुरी अभिनेत्री नीलिमा सिंह टीवी शो निमकी विधायक में अनारो देवी का किरदार निभाती हैं। इससे पहले अनारो देवी की भूमिका गरिमा सिंह निभा रही थी। नीलिमा ने कहा था कि गरिमा सिंह एक अच्छी कलाकार हैं। मैं अनारो देवी की भूमिका निभा रही हूं जिसे पहले गरिमा निभा रही थी। मैं उनके स्तर पर पूरी तरह से पहुंचने व दर्शकों को दिल जीतने की कोशिश करूंगी, और इस किरदार में वो पूरी तरह जम चुकी हैं। यही कारण है कि निमकी विधायक में उनके पागलपन के किरदार को अब खूब सराहा जा रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। हिंदी सीरियलों के अलावा नीलिमा सिंह भोजपुरी फिल्मों में भी कई किरदार निभा चुकी हैं। अक्षरा के साथ साथ घर चलाने में उनकी मम्मी का भी बड़ा योगदान रहता है। उनकी मम्मी भी एक्टिंग करके अच्छी खासी सैलरी और फीस हासिल कर लेती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया की रिपोर्ट।